छत्तीसगढ़ सरकार का ये बजट 76,000 करोड़ से ज्यादा है और इसमें हमारी प्राथमिकता दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष में अंत्योदय का बड़े लक्ष्य को सामने रखकर उन अंतिम गांव तक पहुंचने का काम, जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां रोशनी नहीं पहुंची, जहां किसान के पास पंप नहीं है, जहां किसान के घर में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। और बड़ा लक्ष्य रहा है कि सौर सुजला योजना 50,000 किसानों को चिन्हांकित करके उन्हें सोलर पंप देने की योजना है, जिसमें हम 10,000-15,000 में उनको सोलर पंप देंगे। तो ऐसे किसानों को चिन्हांकित करने का काम भी चल रहा है। हमने एक बड़ी योजना बनाई है जिसमें जो छत्तीसगढ़ के सभी गांवों को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए 2018 का लक्ष्य हमने रखा है, और मैं सोचता हूं कि 2018 के पहले ही सभी छत्तीसगढ़ के गांव हमारे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। करीब करीब 6,800 पारे टोले मंजरे में भी विद्युतीकरण का लक्ष्य हमने रखा है 2019 तक का। इसके लिए 2,000 करोड़ की राशि का प्रावधान भी हमने किया है। छत्तीसगढ़ का ये बजट युवकों को समर्पित है, हमारी बहनों को समर्पित है, किसानों और मजदूरों को, उन युवा पीढ़ी को जो स्मार्टफोन से जुड़ना चाहते हैं। 45 लाख परिवार छत्तीसगढ़ की आबादी यदि हमारे इस योजना स्काई से जुड़ते हैं तो सरकार के जनधन आधार और मोबाइल का जो जैम योजना है उसका लाभ मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, युवकों के पढ़ाई के लिए उनके महाविद्यालय में उनको बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार इसमें 900 करोड़ खर्च कर रही है, 1500 टावर लगाए जाएंगे। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। 100 करोड़ की लागत से एक सर्किट का निर्माण किए जा रहे हैं, जिसमें प्राचीन हमारे गौरवशाली स्थान है उनको हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे। बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छी सड़क बनाने का, अच्छे गेस्ट हाउस बनाने का, अच्छे वहाँ पे सुविधा ठहरने के लिए करने का। मुझे लगता है कि जैसे चित्रकूट में हमने वहाँ पे नीचे तक उतरने के लिए लिफ्ट बनाने की योजना, चित्रकूट के दूसरी तरफ उसको विकसित करने की योजना, अच्छे गेस्ट हाउस का काम, तो मुझे लगता है हर सेंट एक एक केंद्र को चिन्हांकित करके उसको विकसित करने की कार्य योजना बनाएं।